नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। हरियाणा के 3 अलग अलग जिलों से आज अम्बाला छावनी से रेलवे स्टेशन पर लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लाया गया, जिसके बाद यहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उन्हें बिहार भेजा गया और इस दौरान प्रवासी श्रमिक जो हैं वो काफ़ी खुश नजर आए। ट्रेनों में बैठने से पहले प्रवासी श्रमिकों का मेडिकल जाँचा गया और उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से जाँच की गई। ट्रेनों में बैठे प्रवासी श्रमिकों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जहां जहां वो काम कर रहे थे वहां पिछले लगभग 2 महीने से कामकाज पूरी तरह से ठप्प पड़ा था और ऐसे में अब उनके गुजारे की काफ़ी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपने घर जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था। लेकिन आज जब उन्हें ट्रेन से बिहार भेजा गया तो ये प्रवासी श्रमिक काफ़ी खुश नजर आए। नरमदेश यादव नाम है सर, और हिमाचल प्रदेश में काम करते थे, गाँव जा रहा हूँ पूर्वी चंपारण। 1.5-2 महीना दिक्कत क्या सर, काम नहीं चल रहा है, बंद कंपनी भी है तो उसमें आधे बंदे रह रहे हैं, आधे डिस्पेंसर के साथ काम करना है, बस यही बात है। देखेंगे, वहाँ खेती बाड़ी भी है अपना, करेंगे स्टील पन लोहे प्लांट में। अम्बाला प्रशासन अब तक हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों को ट्रेनों के जरिए और बसों के जरिए उनके घर तक पहुंचा चुका है। आज भी 1200 श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया गया और इससे पहले जो श्रमिक ट्रेनों में बिठाए गए उन्हें हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क भी वितरित किए गए थे। क्या कुछ कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम सतेंद्र सेवाच है और आज इसके जो ट्रेन के लिए मैं नोडल अफसर हूँ, और हम यहाँ से 1200 पैसेंजर्स हैं वो मुजफ्फरपुर के लिए भेज रहे हैं। ये हमारे यहाँ 3 जिलों से, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला की चारों सब डिवीज़न के पैसेंजर्स हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए जा रहे हैं। इन सारे पैसेंजर्स को इनका मेडिकल हुआ है, इनको फूड पैकेट्स, पानी, जूस और मास्क और सैनिटाइज़र की सुविधा इनको दी गई है। कल कटिहार जोन के लिए ट्रेन यहाँ से शेड्यूल्ड है और 2 ट्रेन नेक्स्ट वीक के लिए भी शेड्यूल्ड है। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।